चेंज चाहते हैं और अपना मैसेज जो है अपनी शिद्दत से जो है वो आप जाहिर करें। पेशावर से आया हूँ स्पेशली कराची जलसे के लिए। मैं दुबई से कराची के जलसे में आई हूँ। सारे लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर मैं सियाटल से 10,000 मील का सफर तय करके आ सकता हूँ सिर्फ पीटीआई का जलसा अटेंड करने के लिए, तो आप भी अपने घर से निकलिए। मैं दुबई में रिहायश पजीर हूँ, मैंने पाकिस्तान मैंने मेरी वाइफ ने साइड कर लिया था कि हम छुट्टी ऐसे ही अरेंज करेंगे कि हम पाकिस्तान में और साथ कराची में और इंशाल्लाह जलसा अटेंड करें। मैं दुबई से ये जलसा स्पेशली अटेंड करने के लिए आया हूँ। जब हम अमेरिका से यहाँ आके काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ उस जलसे में शिरकत कर रहे, मैं ही नहीं आया, बहुत से लोग जर्मनी से, स्पेन से, इंग्लैंड से भी आए, दुबई से तो बहुत लोग आ रहे हैं। तो जो कराची वाले हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर शामिल हों। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टे होम, दिस इज़ द टाइम टू कम एंड बी काउंटेड। और इससे पहले भी कराची में अवामी इज्तमात से खिताब करते रहे हैं, मगर इस बार इसे वो लोगों का सुनामी करार देते हैं। उनका कहना है कि रवां साल पुरतशद्दुद वाक़ियात की जकड़ में रहने वाले इस शहर में वो अमन का पैगाम लेकर आ रहे हैं। इसी जलसागाह में कई कुर्सियां लग रही हैं तो किसी कोने में कारकुनों के लिए बिरयानी बट रही है। नौजवानों को महफिल का मौका फराहम है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली की जरूरत है, मगर उनके कारकुन क्या सोचते हैं? ये पहला दफा है कि खान साहब का जलसे का प्रोग्राम हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग ये नौजवान जितना भी आना हजारों की तादाद से उधर से इंशाल्लाह हम लोग ने भरपूर तैयारी कर दी और जितना नौजवान है ना सब इंशाल्लाह इस जलसे में शिरकत करेंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्मीद है और हम तकरीबन 5-6 साल से इमरान खान के पार्टी में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि खान साहब आएंगे और इंशाल्लाह करप्शन भी ख़त्म कराएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। मकसद ये है कि अमन, और कराची का अमन तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान का, जब कराची में अमन होता है तो पूरे पाकिस्तान में अमन है। तो इंशाल्लाह खान साहब ने कहा है और इंशाल्लाह होगा भी ऐसा ही कि हम अमन की एक पैगाम लेके आए और अमन का ही पैगाम फैलाएंगे और अमन होगा। ये MKM NP सारे ये कौम परस्त जमात है, हमें कौम परस्त नहीं चाहिए, ये इस्लाम के भी दुश्मन है और कौम के भी दुश्मन है। मुंतजमीन का दावा है कि जलसा गांव में 4 लाख लोगों की गुंजाइश है और इसमें 50,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी जो फैमिलीज के लिए मुख्तस होंगी। तैयारी में मसरूफ अक्सर कारकुन पश्तून नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त वर्कर है तो वो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें पश्तून बेल्ट के ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पश्तून तहरीक इंसाफ में है, बाकी जमाते नहीं है। यहाँ पर सिंधी भी है, यहाँ पर बलोच भी है, यहाँ पर मार्जर भी है, यहाँ पर पंजाबी भी है, तमाम कौमियतों का एक गुलदस्ता जमात है क्योंकि तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है। जलसा गांव में दाखिल होने के लिए